देखो किसान भाइयों, भेड़ जो हैं बिल्कुल अपने आराम के मूड में हैं इस टाइम। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आज रात्रि का विश्राम यहीं पर है इनका। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो छोटे बच्चा भी है। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज हमारे गांव में भेड़ों का रेवड़ आया हुआ है। अच्छा, ये किसान भाई हैं, ये भेड़ पाल के अपना धंधा कर रहे। पहले तो बहुत ज़्यादा भेड़ों का रेवड़ आ गया था हमारे बचपन में, अब ये भी कुछ कम हो गया, ये कभी कभी आवे। मैं इन किसान भाई से जो है आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि इनको क्या दिक्कत आ रही है इसके पालन पोषण में, और इनका देखो ये तरीका दिखाऊंगा। इन्होंने टेंट घेर लिया यहाँ पे, रात यहीं पे रुके और अपने साथ एक ये गधा ले रहे सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। ये देखो ये पड़े, सब कुछ दिखाऊंगे। तो ये जो है ये किसान भाई हैं, देखो भाई खाने का तो करना ही पड़ेगा जहाँ रुकेंगे। हाँ तो आ जाओ भाई, किसान भाई एक बार आइए, देखो ये आ जाओ भाई, अपना थोड़ा परिचय दो। विकास जिला सामने, जिला सामने। अच्छा भाई, ये जो आप ये जो भेड़ों का जो आपका काम कर रहे हो, इनका पालन का काम है जो आपका, ये आपका पुश्तैनी काम है कि आपने शुरू किया? ना जी, पुश्तैनी काम है। अच्छा, आपके बाबा परदादा सब करते आए। अच्छा, जैसा ये इनका पालन कर रहे हो आप, गांव गांव लेके जाते हो जी, तो कोई मुश्किल आ रही इधर ले जाने में? ना जी ना। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल। जैसा भाई किसी का खेत खाद खान लगे कोई है ना जी ना। ऐसा हो जाए ना कहीं भाई, रोड़ा रुका हो जाए किसी बात पे? हाँ जी, जो हो जाए, जो किसी का नुकसान कर दे ज्यादा। अच्छा, ज़्यादा नुकसान कर दे तो हो भी जा कभी का। अच्छा, जैसा इसका पालन कर रहे हैं आप, इसमें इसमें क्या आपका प्रॉफिट रह जाए भाई? जी बस का जी, बाल बूल बिका जी इनके। अच्छा, बाल बिका, फिर ये जब जवान हो जाए इन्हें भी बेचो? बचे ना तो बेचते ना, बच्चे बुच्चे राख लग गए, कोई बच्चे राख लें। नहीं, जैसा आर्मी वगैरह में भी तो जाती है ना इनकी सप्लाई, इन्हें कहाँ बेचते हो? जाते आर्मी में, भेड़ नहीं जाती? अच्छा, ये इनकी मंडी वगैरह लगती है, उसमें नहीं लेके जाते? अच्छा अच्छा, बस बस बढ़ाते रहो। अच्छा, और नहीं मंडी तो इसकी लगती है यार कहीं? हाँ, मंडी तो बहुत लगा जी इसकी, पर देते नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप कुछ क्या बताना चाहोगे इसमें जो है, इस धंधे में क्या आपको क्या मुनाफा हो रहा, क्या हो रहा? ऊन का व्यापार है मैन। अच्छा, इसके बाल कट के चले जाओ? बाल कट के। तो बाल अपने गांव में ही आ जाए, कहाँ आवे लेकर? लेकर जाने पड़ा है पानीपत। अच्छा, काट के? हाँ। कितने दिनों में बाल तैयार हो जाए इसके? इसके साल में 3 बार कट जाए। साल में 3 बार कट जाए? हाँ। तो एक 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 इससे भेड़ से कितने निकल जाए? 20 में तो थोड़े लग रहा है, में तो कितने लगभग? पाइया पाद फैया बस इतने नहीं होते। अच्छा, एक पाव करीब बाल निकल जाए, कितने के बिक जाओ? बिक जाए बने का हिसाब तो अच्छा, गठड़ी का रेट है। अच्छा, तुम मतलब इन पे से उतार के इकट्ठे कर लो, फिर गठड़ी बना के ले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सब डेरा डूरा यहीं डाल रखा सारा? जी सब यहीं डाल रखा। अच्छा, और ये जो गधा ले रहे भाई, गधा भी वो पीछे खड़ा? अजय गधे पे जो सामान लादा। अच्छा, वो मतलब ये सामान जो है गधे पे लाद लो, दूसरे काम जाना हो? ये देखो भाइयों, एक और किसान जो साथ में है, इनसे भी मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी। भाई अपना भी परिचय दियो। नाम गोपीचंद है जी, गांव गोदपुर जिला सामने का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, तो आप जैसा ये काम कर रहे हो भाइयों, इसका पशुपालन का, भेड़ पालन का जी, तो इसमें कुछ क्या दिक्कतें आ रही भाई? बस दिक्कत है जी, अपना बड़े बड़े करते हैं इस काम ना, हम भी करें कुछ कारोबार तो कुछ है नहीं। अच्छा, लाभ भी कुछ नहीं है, अपना टाइम पास कर दे जी वरना बस। अच्छा, बाबा परदादा सब यही कर रहे थे? अच्छा अच्छा,
अच्छा ले जाने लाने में जैसा रास्ते भी भाई जा थोड़े संकीर्ण हो गए और फसल होगी खाली जगह नहीं मिलती, कुछ ले जाने जाने में दिक्कत आवे कुछ? हाँ जी दिक्कत आवे जी, किसी को नुकसान हो जाए, कोई मार पिटाई कर दे, धमका दे जी। अच्छा जी, सब बर्दाश्त करनी पड़े? सब बर्दाश्त करनी पड़े जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा इनका पालन कर रहे हो आप जी, तो इनके पालन में आपको क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें है जी, बस चुकानी है जी, बस धक्के खाने पड़े जी बस। अच्छा, खेत खाली नहीं रहे? खाली नहीं रहे जी। हाँ, हरियाली नहीं रही? हाँ जी। हाँ, जो खाली रहेगा, जो खलियान वगैरह पड़े रहे थे बिल्कुल जी, उनमें नहीं रही? अच्छा, और इनसे मान लिया उत्पादन क्या, ऊन का उत्पादन करो के क्या, मीट में जाए कहाँ जाए? मीट में जाए जी। अच्छा, बट तो कहीं जाती है, मालूम तो बेच दिया जी ने। अच्छा, आप तो मतलब जवान करके बेच दो कुछ कुछ बच्चे, छोटे बच्चे बेच दिया जी इनके। अच्छा अच्छा, और वैसे आप ऊन भी उतारो इसकी? हाँ जी, ऊन भी उतारा, ऊन भी फिर बराबर जा जी बस। अच्छा, वो कितने उतर जा साल भर में? मैं तो जी पता नहीं, बड़े बड़े बेच का हमारे। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो बस ये है कि अपना यह है कि समय पास हो जा बस जी, अपना टुकड़ा खरे में कुछ है कुछ नहीं जी बस। हाँ चलो, फिर भी एक कर तो रहे। हाँ जी बस, मेरा कारोबार कुछ है नहीं लग रहे जी। हाँ ठीक है यार, अपना काम जमान है नहीं जी, जमीन का लग जाए जी। हैं जमीन जमान मगा है नहीं जी। नहीं भाई सही है, देखो अपना अपना रोजगार तो है ही। पास कर रहे बस जी। हैं जमान नहीं के अपना रिवाज है, मतलब पहले बड़ा की परंपरा चली है अपने ही में लग रहे, अपने जमीन जमान कुछ है नहीं अपना, इस तरह से हम घटो चलो अपना। सही बात है जी, बिल्कुल कर रहे जी। देखो कर्म भी तो जरूरी है भाई, अगर नहीं उसके बिना बचता कोई नहीं, कोई कुत्ता भी खा जा मर भी जा। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। चलो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।